Let's do question number first of exercise 6B, that is coordinate geometry. Question number first is first part. Find the coordinates of the point which divides the join of. हमें coordinate निकालना है उस point का जो कि divide कर रहा है किसको, जो join हुए हुए point A और B को, किस ratio में, 2:3 में. तो देखिए कैसे करेंगे. हमारा first part, सबसे पहला part है. तो ये कह रहा है एक line है AB. ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट मान लीजिए ये है, और एक पॉइंट है पी जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में. तो ये टू पार्ट है तो ये थ्री पार्ट है, राइट. और हमें ए पॉइंट दे रखा है -1 एंड 7 और बी पॉइंट दे रखा है हमारा 4 एंड -3. तो हमें ये P पॉइंट निकालना है. तो P पॉइंट का X और Y नहीं दे रखा, तो हम लेट कर लेते हैं. लेट द P पॉइंट बी, P पॉइंट बी X एंड Y. पहला X होता है टर्म, तो X रख लिया, और दूसरा Y होता है तो Y रख लिया. तो हमें इसका मतलब इस X और इस Y की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आप मेरा इंट्रो पार्ट देखेंगे तो ये जिस रेशियो में दे रखा होता है इसको हमने फॉर्मूले में M और इसको N माना हुआ है. तो इसका फॉर्मूला होता है M क्या हो गया, देखिए 2, और N क्या हो गया 3. तो हमारा x कैसे निकलता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर देंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, राइट. तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m क्या हुआ 2, x2 क्या हुआ देखिए x1 y1 x2 y2, यहां साइड में लिख रही हूं. x1 हुआ ए का कोऑर्डिनेट, दैट इज -1 y1 7, और x2 हुआ b के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 4, एंड y2 हुआ हमारा -3. तो x2 हुआ हमारा 4 प्लस n हुआ हमारा 3 और x1 हुआ -1 अपॉन 2 प्लस 3. तो ये कितना आ गया, 2 4 8 प्लस माइनस माइनस, देखिए 2 4 8 माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इज 5. तो ये कितना आ गया, 5 अपॉन 5, दैट इज 1 आ गया, क्योंकि 5 वन्स 5, राइट. अब इसी तरीके से y निकालेंगे. y का फॉर्मूला क्या होता था, y का फॉर्मूला होता था सेम इसी की तरह, लेकिन x की जगह y आ जाएगा. तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. तो m था हमारा 2, y2 था हमारा -3, प्लस n है हमारा 3 और y1 है हमारा 7 अपॉन 2 प्लस 3. तो ये कितना आ गया, 2 3 6, देखिए 2 3 6, लेकिन माइनस का और यहाँ पे प्लस का ही रहेगा क्योंकि कोई माइनस का साइन नहीं है. तो -6 प्लस 7 3 21 अपॉन 5. तो ये कितना आ गया, 21 में से 6 गया, दैट इज 15, क्योंकि ऑपोजिट साइन थे, अपॉन 5. तो 5 वन्स 5, 5 3 15, तो ये आ गया 3. तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, हेंस यहां लिख रही हूं साइड में, हेंस देखिए यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, राइट. तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, तो हेंस द पॉइंट P is, x की वैल्यू पहले लिखेंगे दैट इज 1, और y की वैल्यू बाद में दैट इज 3 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ A एंड B इन द रेशियो ऑफ 7:2. हमें फिर से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के, जो जो पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को 7:2 पे. तो चलिए करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट. हमारी लाइन है, हमें पता है ग्राफ पे कोई लाइन है जो ए है पॉइंट और ये बी है पॉइंट, और पी इसको डिवाइड कर रहा है 7:2 रेशियो में, और ए पॉइंट है हमारा -5 एंड 11,
और B पॉइंट है हमारा 4 एंड माइनस 7। तो कैसे करेंगे, तो हमें ये P पॉइंट नहीं पता है कौन सा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x एंड y, राइट, ये है कोऑर्डिनेट्स। तो हमने यहां पे लिख लिए x और y। अब हमें x1 क्या हुआ, a के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज फर्स्ट वाली x1, y1 हुई सेकंड वाली वैल्यू a का कोऑर्डिनेट, राइट। x2 हुआ b के, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 4, और y2 हुआ हमारा -7। और m और n क्या हुआ, m हुआ देखिए फर्स्ट रेशियो हमारी m कहलाएगी, दैट इज 7, और n कहलाएगी बाद वाली रेशियो, दैट इज 2। तो ये आ गया n। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं इधर, तो ये क्या होती थी, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो m क्या हो गया हमारा 7, x2 हो गया 4। देखिए ये जो वैल्यूज लिखी है इसी में से ही लिखनी है वैल्यूज, और n हो गया हमारा 2 और x1 हो गया -5 अपॉन m प्लस n, दैट इज 7 प्लस 2। 7 4 is 28 प्लस माइनस माइनस 5 2 is 10 अपॉन 7 प्लस 2 is 9। तो ये कितना आ गया 18 अपॉन 9, और 9 was 9 9 2 is 18, x आ गया 2। अब इसी तरीके से y देखिए, y का फॉर्मूला हुआ m y 2 प्लस n y 1 अपॉन m प्लस n। तो अब m कितना था 7, y 2 था हमारा -7 प्लस n था 2, y 1 था हमारा 11 अपॉन 7 प्लस 2। तो ये कितना आ गया -7 7 is 49 प्लस 22 अपॉन 9। तो ये कितना आ गया, देखिए 9 में से 2 गया 7, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे, 4 में से 2 गया इज 2 अपॉन 9, दैट इज -3। तो हेंस हमें पता चल गया पॉइंट P क्या आया, 2 एंड -3 इज द आंसर।